मादारीहाट प्रखंड अंतर्गत बीरपड़ा चाय बागान कर मजदूर मन बगान फैक्ट्री कर सामने विरोध प्रदर्शन करे के लिए मजबूर हो लाए। प्राप्त जानकारी अनुसार बीरपड़ा चाय बागान कर मजदूर मन कर काम करल पैसा मजदूर मन की कई महीनों से नहीं मिलो थे। पेमेंट देवे कर तारीख 9 और 23 नवंबर के तय करल रहे, फिर भी मजदूर मन के पेमेंट एखन तक ले नखे मिलल। मजदूर मन कर आरोप आ है कि कहियों भी सही समय में पेमेंट नहीं मिलेला। भाउचर श्रमिक मन के 3 बेर कर पेमेंट नहीं मिले, साथ ही स्टाफ सब स्टाफ मन के भी 1 महीना से पेमेंट नहीं मिलो थे। मजदूर मन ने बगान प्रबंधक कर ऊपर आरोप लगाते हुए कहले कि बगान प्रबंधक गैर कानूनी तरीका से बगान कर बड़का बड़का गाँच के कटवाए के बेचो थे। मजदूर मन कहले कि अगर सही समय रहते पेमेंट नहीं मिली तो हमरे मन बड़का आंदोलन करे से पीछे नहीं हटो। देखो पूरा रिपोर्ट। हमनी के बगान में सही पेमेंट नहीं मिलो थे, हमनी के तलब तन का कुछ नहीं थे, भाउचर का कुछ पेमेंट नहीं थे, 2 महीना हो जाते हमनी के पेमेंट नहीं मिले, वही कारण से आई कोनो दो बीरा राशन पानी का कोनो व्यवस्था नहीं हो थे। साहब सब समय कहल कि 3 महीना 3 महीना कितना 3 महीना हम इंतजार कर सब पता छोड़ के भूख प्यास करके हमनी को तो भूख है, वही कारण से हमने आज आ रही ऑफिस में तो साहब क्या नहीं कर हमार बात के तो बगान का गाछ का पहले बगान का सामान बेचे ऑफिस का सामान बेचे मगर ऊपर लेकिन हमने को कोनो तलब तन का कुछ नहीं तो बेच के का करो थे वो जे हमने का सामान बेचा थे गाछ का है बेची गाछ बेची तो का हमने का लेबर का पेमेंट दे सकी हमारे छोड़ मन का भविष्य को कार्य सके वो तो सब बर्बाद करे खोजत है ना कह हमें कुछ पेमेंट उमर भी नहीं देवत है ना कि पैसा भी हमारे जमा नहीं होते 15 ही काटल महीना काटल मैं कोनो जमा नहीं होता हमने का लेकिन एखन तक तो बच्चा हमने का कोनो हिसाब जवाब कुछ नहीं के बच्चा बनाए है बगियारे के अगर तारा बच्चा के दे दी बच्चा काम चलाए के से खेर हमने के तो नहीं के है गाछ बेचब के हम तो हम बेच के तलब दे तो नहीं के है हम तो चलाए के खड़ा होला माने हां तो इस ई बात हम नहीं जानिला अरे एखन हम के पीएफ के पैसा काई थे अपने कही है प्रत्येक महीना 800 900 के हमने के चिट्ठा पत्र भी नहीं मिले और हमने के पैसा भी जमा नहीं ये सब हमने नहीं चाहिए हमने काम करके हमने बगान में जिए गाही हम इन खातों से पैसा कमा होती है ये भी बताओ कि बगान में कई घंटा काम करता है 8 घंटा 8 घंटा कभी काम नहीं किया है 8 घंटा 8 बजे के पहले कभी मेला में नहीं आता है 12 बजे के सामने नहीं आता है मेला में ये भी बता सकते हो यही यही सी में कुछ यही दल मोड़ जाकर सिंघानिया जाकर देख लीजिए राम जोड़े जाकर के देख लीजिए जो दे रहा है ना उसमें सब कुछ सही है जाकर के सब जमा लगा करके बगान बंद करा दिया घर में लॉस होने के बाद ही 12 करोड़ का बगान लॉस किया है फिर भी हम लोग आप लोग साथ खड़े हैं छोड़ के नहीं भाग रहे हैं चला के दे रहे हैं बगान बगान 12 करोड़ का लॉस किया है फिर भी हम लोग दे रहे हैं 2 किलो 1.5 किलो में भी हाजिरी दिया है आप लोगों को समझ गए अब दवाई लगाएगा सरकार के तरफ से बहुत सारा दवाई अच्छा दवाई ना बैन कर दिया गया है पीपीसी है जो सरकार अलाउड में वो लोग नहीं मानने से नहीं होगा सच मान के चलना पड़ेगा आपको सच मान के चलना पड़ेगा इस क्राइसिस में भी 12 करोड़ रुपया लॉस करके भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं छोड़ के नहीं भागे हैं पेमेंट दे रहे हैं 2-4 दिन लेट से होता है हो गया है 2-4 दिन होगा हम लोग कर रहे हैं 1500-2000 तलब है तंखा है हम लोग 2-4 दिन का हम लोग इधर उधर करके चल जाता है हम लोग 10 दिन होने से हम लोग कहाँ से आएगा हम आपके पास से बिल्कुल सहमत है लेकिन हमारे पास भी हमारी स्थिति भी तो समझिए कि हम लोग 12 करोड़ का लॉस करने के बाद भी आप लोग साथ खड़े हैं नहीं नहीं आपका 2-4 दिन आगे से जो करके दे रहे हैं और हम आगे भी बोलेंगे कि बदलेंगे हम लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अच्छा सर कितना इसका आपका जो सब स्टाफ का है जो उनका भी इस महीने का दी हुए अब तक पूरा क्लियर है 1 महीने का हाँ 1 महीने का बस मतलब 2-15 महीने का ड्यू है वो इसी बीच में हम लोगों ने इन लोगों का LTA था वो भी तो दिया है ना। अच्छा सर सुना जा रहा है कि आप लोग काट के अभी आप PF जमा करेंगे या पेमेंट कहाँ सुना लोग काट कर सुन रहे हैं वैसे आप ये भी सुनिए गलत न्यूज मत छापिए आप ये भी सुनिए कि इलेक्ट्रिसिटी का लाइन गया है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वहाँ पे लोग कटेगा बहुत सारे ऐसे गाछ है जो हमारे काम का नहीं है जो साइड में जिसकी वजह से लूपर पेस्ट लगता है वो सब हम लोग काट कर मार्किंग किया काटने का अभी तक लोग कटा नहीं है गलत खबर मत पहुँचाइए बगान में। अच्छा सर जो अभी जो डंकन्स का जो लगाया हुआ वो जमीन है ट्री है तो उसमें क्या लूपर पहले से आता था ना अभी आ रहा है सर नहीं क्या जी क्या बोल रहे हो जी पहले तो वो गाछ तो डंकन्स समय में लगाया हुआ था अगर लूपर आता तो इसमें तो वो गाछ नहीं लगाया जाता सुनिए एक मिनट
एक सेड ट्री का स्टेटस होता है, ज्यादा शेड हो जाने से भी चाय को नुकसान पहुंचता है। जहाँ ओवर शेड है ना, हम लोग वहाँ का प्लान कर रहे हैं काटने का, और उसके बाद भी अभी तक कहीं कोई कटा एक भी गाछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मार्किंग गलत चीज कहीं का और बाहर मत फैलाइए।